उंगलियों के जो पोर हैं, उनके अंदर किस तरह की लाइंस बनी है उसके बाद आपको एंड में कंक्लूजन दिया जाता है क्या चीज होगी कब होगी किस तरह से होगी और आपके सवालों का आंसर दिया जाता है आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा विज्ञान हस्तरेखा विज्ञान में मैं आपको बताने वाली हूँ हाथों में देखते हैं क्या चीजें देखते हैं और किस तरह से उसके स्टेप्स होते हैं कैसे लास्ट में कंक्लूजन पर आते हैं आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आप हस्तरेखा की यानी कि पामिस्ट्री की अपने हाथ की फ़ोटो भेज के लेते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं यानी कि उसके क्या नुकसान हैं क्या चीज़ें रह जाती हैं स्टेट यून टिल एंड तो अब आप आपका जब हाथ देखा जा रहा है आप किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गए हैं उन्होंने आपका हाथ देखा सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि ये किस टाइप का हाथ है यानी टाइप्स ऑफ हैंड्स पामिस्ट्री में होते हैं स्क्वायर है थोड़ा लॉन्ग है किस तरह का है और भी कई सारे क्लासीफिकेशन वैसे होते हैं हम उस चीज़ के डीप में नहीं जाएंगे अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हैंड्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो उस बारे में मैं प्रॉपर डिस्कशन करूँगी तो टाइप ऑफ हैंड देखने के बाद यानी कि हाथ का किस तरह का लक्षण है देखने के बाद ये देखा जाता है कि फिंगर्स लंबी हैं कैसी हैं छोटी हैं लंबी हैं और जो फिंगर्स से अलग हाथ के हम तीन हिस्से कहते हैं एक तरह से उंगलियाँ और ये पाम और ये थंब थंब को अलग से हम एनालाइज किया जाता है तो इन चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है कि इनके साइज़ एवरेज से बड़े हैं कैसे हैं लचीले हैं स्टिफ हैं ये चीज़ एनालाइज़ की जाती है उसके बाद ये एनालाइज़ किया जाता है कि आपके हाथ की लकीरें कौन कौन सी बन रही हैं और कहाँ कहाँ बन रही हैं कई बार कुछ लकीरें टूट टूट के बन रही होती हैं और कुछ लकीरें नई बन रही होती हैं कुछ लकीरें डिमिनिश हो रही होती हैं मतलब अब समय के साथ वो मिट रही हैं कुछ लकीरें तो ये चीज़ का ध्यान दिया जाता है कौन सी लकीरें हैं और कहाँ कहाँ हैं नई बन रही हैं या डिमिनिश हो रही हैं इसके बाद देखा जाता है कि इन लकीरों के पास कौन से इम्पॉर्टेंट चिन्ह यानी सिम्बल्स हैं तिल है या नहीं है कई बार इस तरह से भी होता है कि कुछ तिल पहले थे पर अब नहीं है वो तिल अब डिमिनिश हो रहा है या नया तिल बन रहा है ये चीज़ों का लक्षण को अच्छे से देखा जाता है साथ ही फिर मणिबंध रेखाएँ यानी कि ब्रेसलेट लाइंस पे ध्यान दिया जाता है कि वो कितनी हैं कहाँ तक हैं इसके साथ ही आपके हाथ का पीछे का हिस्सा जिसे करप्रष्ट बोलते हैं इसका भी विश्लेषण किया जाता है कि पीछे से आपका हाथ कैसा है नखून किस तरह के आपके हैं इससे आपकी हेल्थ डिफाइन होती है वेलेंस और क्या क्या डिफाइन होता है क्या क्या पता चलता है ये फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर आपको उस बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और तो हम उसके बारे में एक अलग से डिस्कशन करेंगे अंत में सब लक्षणों के साथ उंगलियों के जो पोर हैं उनके अंदर किस तरह की लाइंस बनी है उसके बाद आपको एंड में कंक्लूजन दिया जाता है क्या चीज़ होगी कब होगी किस तरह से होगी और आपकी सवालों का आंसर दिया जाता है तो अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर हम हाथ की या अपनी अपने हस्तरेखाओं की लें तो उसमें क्या थोड़ा बहुत कमी रह जाती है ड्रॉबैक रह जाता है मैं आपको बताती हूँ कि हस्तरेखा कि जब आप अपने हाथ की फ़ोटो भेजते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए किसी भी विद्वान को तो वो बेस्ट उतना ही देख सकते हैं जितने आपने फोटो भेजी है पीछे का नहीं देख सकते पहली बात दूसरी बात ये हाथ के टाइप्स का आसानी से पता नहीं चलता कभी हाथ हल्का सा आपका हल्का खुला है पूरा स्ट्रेट आपने खोला है अच्छे से फोटो भेजने के लिए दूसरी बात ये कि हर किसी के कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी अलग होती है कई बार बारीक क्लाइंट्स कैमरा में मिस हो जाए आप नहीं बता सकते और जो फोटो रिसीव कर रहा है वो इंसान भी कई बार नहीं इस चीज़ को बता सकता मणिबंध रेखाएं कभी अगर मिस हो गई ब्रेसलेट लाइंस नहीं आ रही फोटो में तो ये चीज़ भी मिस हो जाती है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है जिसको हमें देखना होता है साथ ही जब आप किसी के पास जाकर यानी ऑफलाइन कंसल्टेशन प्रॉपर आप किसी के पास जाकर अपने सवालों अपने सवाल पूछ रहे हैं अपना हाथ दिखा रहे हैं तो आपके चेहरे के ऊपर जो चिन्ह हैं तिल है लाइन्स हैं उनको भी स्टडी किया जाता है इसे बोलते हैं शरीर के लक्षण चेहरे के प्रकरण इन सबको स्टडी किया जाता है इन सब की कहाँ पर है इनकी पोजीशन देखी जाती है इनकी बनावट कैसी है ये देखी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको शायद पता भी नहीं चलता और आप जब किसी के सामने बैठ अपने सवाल पूछ रहे हैं तो विद्वान आपकी ये चीज़ें देख ही आपको अंत में आपका विश्लेषण या आपको फलादेश बताते हैं जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में मिस हो जाता है अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि ऑनलाइन की ज़माना तो अब हो गया है लेकिन फिर भी ऑफलाइन कंसल्टेशन का ऑफलाइन खुद यानी कि किसी के पास जाकर अपनी समस्या को डिस्कस करना उसके सोल्यूशन लेना ज़्यादा आज भी बेहतर है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं